हमारी सरकार पूरी तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगी। हमारी प्रतिबद्धता है कि उत्तर प्रदेश में हम अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। एक एक व्यक्ति को हम चिन्हित करेंगे। विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं देंगे। हमारी सरकार पूरी तरह से परीक्षार्थियों के साथ, विद्यार्थियों के साथ खड़ी है। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगी। किसी भी स्थिति में हम गैरकानूनी गतिविधियों को प्रदेश में होने नहीं देंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार ने SIT गठन किया था जांच के लिए। 13,000 मदरसे जो है उत्तर प्रदेश में अवैध पाए गए हैं। SIT ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। हाँ, रिपोर्ट आने के बाद जो भी विधि सम्मत होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। क्या लीगल फंडिंग की बात हो रही है 100 करोड़ रुपए? अब ये जांच एजेंसियां तय करेंगी, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है कि उत्तर प्रदेश में हम अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। सर, अभी जो पेपर लीक हुआ था, STF कड़ी कार्रवाई करते हुए कल भी 7 लोगों को गिरफ्तार की थी, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें एक एक व्यक्ति को हम चिन्हित करेंगे। विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं देंगे। हमारी सरकार पूरी तरह से परीक्षार्थियों के साथ, विद्यार्थियों के साथ खड़ी है। उनको पारदर्शिता के साथ हम सरकारी नौकरी मिलेंगे। किसी भी स्थिति में हम इस प्रकार की कोताही को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे अधिकारी हों या जो इस प्रकार के पर्चा लीक कांड में शामिल निजी व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई।